हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोग रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ रहे थे, यानी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टर्स को हम सीरीज में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और रेजिस्टर को हम पैरेलल में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, राइट। यानी हमने बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टर्स को हम किस किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो उसी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में बेस्ड आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में भी कुछ लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। आज कोशिश करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स आज हम लोग करें और हर लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग न्यूमेरिकल के लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो आज ये न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के न्यूमेरिकल का पहला लेक्चर है और इसके बाद भी आने वाले दो तीन लेक्चर्स जो है वो न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होंगे, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल के। तो चलिए, दो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दोनों क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। यानी कि आपके पास इस तरीके से एक वायर दिया हुआ है, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और कह रहा है कि इस वायर को हम लोग 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया आपका, ये दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट। तो एक पीस ऑफ वायर आपके पास है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसे हम लोग 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। देखिए, एक पूरा वायर था, अगर इसका रेजिस्टेंस आर था तो उसको 5 हिस्सों में, 5 इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट करने पर हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल वायर ये आपको दे रखा है R के बराबर, और रेजिस्टेंस ऑफ 5 पार्ट्स रेजिस्टेंस ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पीस ऑफ वायर है जिसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस R है, उसको 5 हिस्सों में कट कर दिया, तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो R/5 हो गया। कह रहा है दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर इन पार्ट्स को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में। इसके बाद ये जो 5 पार्ट्स हैं, ये 5 पार्ट्स को हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं पैरेलल में। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों, सवाल में कह रहा है कि इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहे हैं, और पैरेलल में कनेक्ट करने पर जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि R' के बराबर है, ठीक है। एक वायर, इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर था, उसको 5 इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, हर एक का रेजिस्टेंस R/5 हो गया। फिर कह रहा है कि इन पांचों पार्ट को एक दूसरे के पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R' मिलता है। तो आपको R/R फाइंड करना है। तो पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R' है, उसको फाइंड कर लेंगे। कैसे, देखिए, चूंकि पांचों पैरेलल में कनेक्टेड हैं इसलिए पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब है कि 1/R', R इक्विवेलेंट क्या है, R' के बराबर। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2, ऐसे करके। तो R equivalent की जगह मैं R' लिख रहा हूं, तो 1/R' क्या हो जाएगा, R/5 है, तो 1 divided by पहला रेजिस्टेंस R/5, इसका उल्टा कर ले तो 5/R हो जाएगा बच्चों, 5/R एक्चुअली में 1 divided by R/5 होता है, लेकिन ये 5 ऊपर चला गया, राइट। ऐसे 5 रेजिस्टर्स हैं तो सारे हो जाएंगे 5/R प्लस 5/R प्लस 5/, ये 4 हो गया और ये पांचवा हो गया 5/R। ये 5 बार हम लोग 5/R को कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 5/R जो कि 25/R के बराबर आएगा, राइट। और अब आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड R/R'। ध्यान से देखिएगा, आपको फाइंड करना है R/R', ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, अच्छा ये आपका 1/R' निकल कर आया है, राइट। तो इसका अगर उल्टा हम लोग रेसिप्रोकल ले लें तो R' कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लिया ना तो R' आया, तो
तो 25 बाय आर का भी रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा आर अपॉन 25, राइट। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था आपका आर, और इन सब को पांच पार्ट में कट करके पैरेलल में कनेक्ट करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है आर बाय 25। तो ये हम लोग लिखेंगे आर डिवाइडेड बाय आर डैश के लिए लिखेंगे आर बाय 25, वो 25 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए यहां से आर बाय आर डैश की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है आपकी 25 के बराबर। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज दी लोवेस्ट रेजिस्टेंस, व्हाट इज दी लोवेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग फोर कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 14 ओम। यानी आपको इसके सॉल्यूशन के लिए गिवन है चार रेजिस्टर्स। पहला रेजिस्टर R1 है 4 ओम, दूसरा रेजिस्टर R2 है 8 ओम, तीसरा रेजिस्टर R3 है 12 ओम और चौथा रेजिस्टर R4 है 24 ओम। क्लियर है? ये चार रेजिस्टर्स आपको गिवन है, और नोटिस करने वाली बात ये कह रहे हैं कि इन चारों रेजिस्टर्स को किस तरीके से कंबाइन करें कि लोवेस्ट रेजिस्टेंस हमें मिल सके। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज द लोवेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन, वो लोवेस्ट रेजिस्टेंस क्या है जो कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग फोर कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस दिस 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 दिस। इन चार रेजिस्टर्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो किस तरीके से कंबाइन करें और क्या होगा वो लोवेस्ट रेजिस्टेंस, ये हमें जानना है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए बच्चों, अगर लोवेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, ये हमेशा याद रखना है आपको, अगर लोवेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो हम लोग रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। और अगर हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो हम लोग रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। ये हमेशा दिमाग में रखना है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो पैरेलल में कम कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सबसे कम मिलता है और सीरीज में सबसे ज्यादा मिलता है। तो यहां पर लोवेस्ट रेजिस्टेंस कह रहे हैं, इसीलिए आपको 1/R इक्विवेलेंट फाइंड करना है और फिर उसको पलट कर R इक्विवेलेंट निकालें, यानी पैरेलल में कंबाइन करेंगे। तो लोवेस्ट रेजिस्टेंस के लिए एक तो हम लोग पैरेलल में कंबाइन करेंगे, क्या हो जाएगा पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। ठीक है, कितना हो जाएगा ये देखिएगा जरा। R1 आपका 4 था तो 1/4 + R2 8 था 1/8, R3 12 था तो 1/12 और R4 24 था तो 1/24। ये 1/R इक्विवेलेंट आ रहा है। इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 24 आएगा, राइट। तो 4 6 24 था, ऊपर 6 हो जाएगा, 8 3 24 होता है 3 हो जाएगा, 12 2 24 होता है और 24 1 24 होता है। 6 + 3 9 + 2 11 + 1 12/24, यानी कि ये 1/2 के बराबर आ गए। 1/R इक्विवेलेंट 1/2 आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो इधर हो जाएगा R इक्विवेलेंट, और 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा 2 ओम। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चों? 2 ओम, जो कि देखिए कि चारों रेजिस्टर्स के इंडिविजुअल वैल्यू से भी कम है। क्लियर है? चलिए इन दोनों सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे बेस्ड ये सवाल है। ठीक है बच्चों, समझ कर नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, ये दो सवाल हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे बेस्ड, यानी रेजिस्टर्स इन सीरीज या रेजिस्टर्स इन पैरेलल पे बेस्ड। ठीक है, इनको देखते हैं जरा, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है कि टू रेजिस्टर्स ऑफ 30 ओम एंड 60 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको दो अलग अलग रेजिस्टर्स गिवन है, एक 30 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 60 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इनको कनेक्ट कर किस तरीके से कर रखा है? पैरेलल में।
तो दो रेजिस्टेंस हैं 30 ओम 60 ओम के और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे बच्चों, देखिएगा जरा। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 30 ओम हो गया और ये हमारा कितना हो गया बच्चों 60 ओम हो गया। तो हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, ये रेजिस्टर 30 ओम का, ये रेजिस्टर 60 ओम का, और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं इस तरीके से। ठीक है, दिख रहे हैं, टू रेजिस्टर्स ऑफ 30 ओम एंड 60 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है कंपेयर द करंट पासिंग थ्रू बोथ। अच्छा देखिए, मान लीजिए बच्चों बैटरी से अगर आई करंट आ रहा है, इधर ऐसे बैटरी कनेक्ट कर रखा होगा, वो शो नहीं किया है। मान लीजिए बैटरी से अगर आई करंट आ रहा है, कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर चला जाएगा, पैरेलल में ही होता है। मान लेते हैं कि इधर आई वन करंट चला जाता है और इधर आई टू करंट चला जाता है। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। अब चूंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है और पिछले लेक्चर में जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल और सीरीज के लिए जो हमने डेरिवेशन किया था, वहां मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब भी हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो आपका सेम रहता है हर रेजिस्टर के अक्रॉस। तो हम लिखे हैं कि इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, राइट बच्चों? वोल्टेज इज सेम, इसका मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस 30 ओम के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस 60 ओम के अक्रॉस भी होगा, क्या जितना वोल्टेज 30 ओम के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज 60 ओम के अक्रॉस। तो आप लिख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस 30 ओम इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस 60 ओम। लिख सकते हैं ऐसा, वोल्टेज अक्रॉस 30 ओम इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस 60 ओम। 30 ओम और 60 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दोनों बराबर होंगे। अच्छा, वोल्टेज क्या होता है? आई आर। तो भाई 30 ओम के अक्रॉस करंट कितना है? आई आर, यानी करंट है आई वन और रेजिस्टेंस इसका है 30 ओम और वोल्टेज अक्रॉस 60 ओम कितना हो जाएगा? आई टू इंटू 60 ओम, राइट बच्चों? कंपेयर करने को कहा है आई टू को, मैं इधर लेता हूं, आई वन और आई टू का रेशियो निकाल लेते हैं, आई वन अपॉन आई टू। कैसे? आई टू को इधर ले जा रहे हैं, डिवीजन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 अपॉन 30, यानी कि ये 1/2 के बराबर। ये हमने कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने का मतलब कि रेशियो निकालने को हमें कह रहा था। क्लियर है? कैसे कंपेयर किया भाई? ये दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में, 30 ओम 60 ओम, तो हमने क्या किया कि इसके थ्रू I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू I2 करंट फ्लो कर रहा है, इन्हीं दोनों करंट को कंपेयर करने को बोल रहे हैं, इनका रेशियो निकालने को बोल रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग जानते हैं कि भले ही करंट अलग अलग होते हैं लेकिन वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस उतना ही इसके अक्रॉस, तो लिख दिया ओम्स में लगाया, वोल्टेज होता है आई इंटू आर, यहां भी आई इंटू आर, इसके थ्रू आई आई वन है इसलिए आई वन लिख दिया, इसके थ्रू आई टू है, ये 30 ओम है 60 ओम है लिखकर और कंपेयर कर लिया। क्लियर है बात? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है बच्चों, पहले जरा पहले पार्ट को देख लेते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन रेजिस्टर्स, कितने सारे रेजिस्टेंस हैं, एन नंबर ऑफ रेजिस्टर, एन कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 50, ठीक है 100, कुछ भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है, हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है आर, रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर आर के बराबर है और टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर कितना होगा बच्चों,
टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर हमारा एन दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है एन रेजिस्टर का, जहां हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर है, और वो कैसे कनेक्टेड है। पहला कह रहा है अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा। तो ए पार्ट देखिए सीरीज के लिए, बच्चों सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट क्या होगा। अच्छा कितने सारे रेजिस्टर्स हैं, एन रेजिस्टर, हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर है, कह रहा है सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कितना होगा। तो देखिए सीरीज में क्या होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ऐसा होता है, तो पहले वाले का आर, दूसरे वाले का भी आर, ऐसे ही करते करते बच्चों जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबका रेजिस्टेंस आर है, तो सबको ऐड करेंगे आर प्लस आर प्लस आर ऐसे करते करते। अच्छा कितने सारे रेजिस्टेंस हैं, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर दो होते तो आर प्लस आर टू आर, तीन होते तो आर प्लस आर प्लस आर थ्री आर, फोर होते तो आर प्लस आर प्लस आर फोर आर, ऐसी एन है, तो ये हो जाएगा एन इंटू आर। सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन इंटू आर, लेकिन ये कब होगा, जब एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं और हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है। अगर दो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्लियर है बात। अच्छा वैसे ही पैरेलल का अगर हम देखें, पैरेलल की बात करें तो हो जाएगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, ऐसे ही करते रहेंगे तो आपका लास्ट में आ जाएगा वन अपॉन आर, कितनी बार वन अपॉन आर को ऐड किया बच्चों, एन टाइम्स, तो हो जाएगा एन इंटू वन अपॉन आर, क्लियर है। यानी कि वन अपॉन आर इक्विवेलेंट जो हमारा है वो कितना आ रहा है, एन इंटू वन यानी एन अपॉन आर आ रहा है। अब रेसिप्रोकल ले लीजिए तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर अपॉन एन, ठीक है। यहां R इक्विवेलेंट आ रहा है N इंटू आर, यहां पर आ रहा है R अपॉन N। सीरीज में अगर सारे सेम रेजिस्टर्स को ऐड करिएगा तो एक रेजिस्टर को N से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पैरेलल में करिएगा तो जो एक रेजिस्टर है सब सेम ही है ना, उसको N से डिवाइड करना होगा, क्लियर है बात यहां तक। अच्छा दूसरा पार्ट देखिए सर क्या कह रहे हैं, दूसरा पार्ट कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कैलकुलेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टर। पहला रेजिस्टर आपको गिवन है R1, आपको गिवन है 3 ओम, R2 आपको गिवन है 4 ओम, और R3 आपको गिवन है 5 ओम, ठीक है। 3 ओम 4 ओम 5 ओम, और कह रहा है कि कैलकुलेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी R इक्विवेलेंट आपसे पूछ रहा है। अगर 3 ओम 4 ओम 5 ओम को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर वन यानी 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन आर टू यानी 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन आर थ्री यानी कि 1 अपॉन 5, क्लियर है बच्चों। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं 3 4 और 5 का, तो कितना इनका एलसीएम होगा, 3 4 और 5 दोनों का एलसीएम आपका होता है 60 के बराबर, कितना हो बच्चों 60 के बराबर। तो 3 इंटू 20 होता है 60, 4 इंटू 15 होता है 60, और 5 इंटू 12 होता है 60। अगर इन सबको ऐड करें तो 20, 35, ये हो गया 47 अपॉन 60, और अगर आप रेसिप्रोकल ले लें तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 60 अपॉन 47 ओम। यही फ्रैक्शन में आपको छोड़ देना है आंसर को यहीं तक, ठीक है, डेसिमल में लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्लियर बच्चों। चलिए 5, 4 और 3 का एलसीएम 60 हो गया, 3 इंटू 20 होता है 60 तो 20 लिख दिया, 4 इंटू 15 होता है तो 15 लिख दिया, और 5 जो है वो 12 टाइम्स होता है तो 12 लिख दिया। 20 प्लस 15 35 प्लस 12 47 डिवाइडेड बाय 60, रेसिप्रोकल लेंगे तो 60 बाई 47 हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, चलिए बच्चों ये एक क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, इसमें रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है, उसका हम लोग सवाल कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ वुड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर,
ये देखिए वोल्ट मीटर लगा रखा है, इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज मेजर करता है किसी भी एक रेजिस्टर के अक्रॉस किसी भी एक सर्किट में, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ वुड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर चेंज, ठीक है बच्चों, हाउ वुड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर चेंज इफ इट इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड सी। देखिए अभी हम लोगों ने वोल्ट मीटर को ए और बी के बीच में कनेक्ट कर रखा है, राइट। तो ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, 1 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताएगा। कह रहा अगर हम इसे बी और सी के बीच में कनेक्ट कर दें, बी और सी के बीच में कनेक्ट करने का मतलब है कि 3 ओम के अक्रॉस कनेक्ट कर दें तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताएगा। सवाल समझ रहे हैं, अभी फिलहाल हमने इस वोल्ट मीटर को ए और बी के बीच में कनेक्ट कर रखा है इसलिए 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि रीडिंग जो वोल्ट मीटर का है वो किस तरीके से बदल जाएगा अगर उसे हम बी और सी यानी कि 3 ओम के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। तो 1 ओम के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, 3 ओम के अक्रॉस क्या है, निकाल लेंगे पहले हम लोग, ठीक है। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो है वो होता है आई मल्टीप्लाइड बाई आर, ये होता है। देखिए 1 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए रेजिस्टेंस तो है लेकिन करंट मेरे पास नहीं है, या 3 ओम के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए रेजिस्टेंस तो मेरे पास है लेकिन सर्किट में मेरे को करंट नहीं दिया गया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है बच्चों, वो मैं लिखना भूल गया, ओके। ये बैटरी जो है वो 3 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करंट निकालना है। अगर हम ये करंट निकाल लेंगे तभी तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। करंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, करंट निकालने का फॉर्मूला है टू कैलकुलेट करंट, आई क्या होगा हमारा, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये होगा बच्चों वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। V हमारा कितना है 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं इसलिए 1 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से करंट I जो है वो हमारा हो जाएगा 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5 और 1 6 6 ओम, ये कितना हो गया 0.5 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है। तो इस सर्किट में आप देखिए एक चीज हमें पता चल गया कि 0.5 एम्पीयर का करंट इस सर्किट में फ्लो करता है। तो वोल्ट मीटर में रीडिंग किस तरीके से बदलेगा, उसके लिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम, 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेते हैं, वो हमारा हो जाएगा सपोज करो उसे मैं V1 कह दे रहा हूं। हम लोग जानते हैं बच्चों सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अलोंग कुछ और, इसके अलोंग कुछ और, इसके अलोंग कुछ और, तो कुछ ना कुछ तो बदलना चाहिए। वोल्टेज 1 ओम के अक्रॉस कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाई R1, आई तो सबके लिए सेम होता है 0.5 इंटू R1 आपका 1 ओम दे रखा है, तो यहां से V1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके 0.5 वोल्ट के बराबर, ठीक है। उसी तरीके से आप निकाल लेंगे वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, यही तो कह रहा है ना, B और C के बीच में कनेक्ट करेंगे, अगर B और C के बीच में आप कनेक्ट करेंगे तो यानी 3 ओम के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं, तब वोल्टेज V2 जो है वो हो जाएगा आपका I इंटू R2 के बराबर, I है 0.5 और R2 आपका 3 के बराबर है, तो V2 आपका हो जाएगा equals to 1.5 वोल्ट। ये बात आप समझ पा रहे हैं, V1 0.5 वोल्ट और V2 जो है 1.5 वोल्ट है। तो कह रहा हाउ वुड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर चेंज, चेंज इन रीडिंग क्या होगा ये जरा समझिएगा, चेंज इन रीडिंग क्या होगा V2 माइनस V1, यही तो बताया कितने वैल्यू में चेंज हो रही है,
यानी कि 1.5 वोल्ट माइनस 0.5 वोल्ट, तो आप लिखे हैं कि 1 वोल्ट की रीडिंग में चेंज है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा। तो बच्चों आज ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का पहला न्यूमेरिकल था, हमारा पहला लेक्चर न्यूमेरिकल का। अब इस तरीके से आपको स्किप नहीं करना है, आगे आने वाले लेक्चर्स जो वो भी न्यूमेरिकल पे बेस्ड होंगे, अगला लेक्चर भी न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा, उसका भी अगला न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा, तो उसको देखिएगा जरूर, स्किप मत करिएगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस आप अपने एंड से भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए बच्चों, बाय बाय।